हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे कांग्रेस के नए बॉस, चुनाव में शशि थरूर को हराया। जी हां, आखिरकार कांग्रेस को उसका नया अध्यक्ष मिल गया है। अध्यक्ष पद को लेकर हुए चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत हासिल की है। 22 साल बाद ये पहला मौका है जब गांधी परिवार से इतर किसी व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। चुनाव में मुख्य मुकाबला पार्टी के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में था, जिसमें 80 साल के खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से हरा दिया है। अध्यक्ष पद के चुनाव में कुल 9,385 वोट पड़े थे, जिनमें खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, तो वहीं शशि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं, जबकि 416 वोट रद्द हो गए। चुनाव नतीजों के ऐलान और खड़गे की जीत के बाद पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल हो गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के नारे भी लगाए, तो वहीं शशि थरूर ने अपनी हार स्वीकार कर ली और चुनाव में जीत के लिए खड़गे को बधाई भी दी। मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जनता की नाराजगी का डेटा, गहलोत सरकार से सबसे ज्यादा नाखुश हैं लोग। जी हां, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, जेंडर हंगर जैसे मुद्दों पर सर्वे या इंडेक्स तो आते रहते हैं, लेकिन अब एक एंगर इंडेक्स भी सामने आया है जिसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस एंगर इंडेक्स में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जनता की नाराजगी मापी गई है। न्यूज एजेंसी IANS और सी वोटर की ओर से कराए गए इस सर्वे में ये बताया गया है कि विभिन्न राज्यों की सरकार से कितने प्रतिशत लोग खुश और नाखुश हैं। सर्वे के मुताबिक राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से जनता सबसे ज्यादा नाराज है, तो वही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के प्रति जनता की नाराजगी सबसे कम है। खास बात तो ये है कि इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। तो चलिए अब जानते हैं कि किन 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भारत की जनता सबसे ज्यादा नाराज है। राजस्थान में 35.4%, कर्नाटक में 33.1%, बिहार में 32%, हरियाणा में 30.7% और झारखंड में 29.8% लोग सीएम से नाखुश हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि किन राज्यों के सीएम से लोग सबसे कम नाराज हैं और उनका प्रतिशत क्या है। छत्तीसगढ़ में 6%, दिल्ली में 8.3%, पंजाब में 9.7%, असम में 12.2% और तमिलनाडु में 12.6% लोग सीएम से नाखुश हैं। सामने आए एंगर डेटा को लेकर माना जा रहा है कि हाल ही में हुए सियासी संकट के बीच और राजस्थान में जो हुआ और सीएम अशोक गहलोत का सचिन पायलट के खिलाफ रवैये से लोग नाखुश हैं, जबकि छत्तीसगढ़ हाल ही में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य के तौर पर उभरा है, जिसका फायदा सीएम बघेल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दिलचस्प भी है कि अगर इस इंडेक्स में जिन मुख्यमंत्रियों का स्कोर अच्छा रहा है, यानी कि जिनसे कम लोग नाराज हैं, वो ज्यादातर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। असम की हेमंत बिस्व शर्मा मात्र अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी से हैं, और सर्वे में शामिल केवल 12.2% लोग उनसे नाखुश हैं। तो वही राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ नाराज लोगों का प्रतिशत कम है। स्पाइसजेट ने पायलटों के वेतन में किया इजाफा, नवंबर से मिलेगी डबल सैलरी। जी हां, बता दें कि स्पाइसजेट ने दिवाली से पहले अपने पायलटों को बम्पर तोहफा दिया है। विमानन कंपनी ने पायलटों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए उनकी मासिक सैलरी को डबल करने की घोषणा की है। बता दें कि स्पाइसजेट ने 80 घंटे की उड़ान के लिए अपने मासिक पारिश्रमिक को लगभग 55% बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। वेतन में बढ़ोतरी 1 नवंबर से लागू की जाएगी। नवीनतम बढ़ोतरी के बाद स्पाइसजेट में कैप्टन का वेतन उनके पूर्व कोविड वेतन की तुलना में अधिक होगा। ट्रेनर और सीनियर फर्स्ट ऑफिसर के वेतन में भी अनुपात के अनुसार वृद्धि की गई है। इससे पहले स्पाइसजेट के कर्मचारियों ने दावा किया था कि जुलाई महीने के लिए फ्लाइट क्रू सहित कर्मचारियों के वेतन के वितरण में देरी हुई थी और कई को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भी फॉर्म 16 प्राप्त करना बाकी था।
हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट से हो सकता है गर्भाशय कैंसर का खतरा। जी हाँ, क्या आप भी स्टाइलिंग के लिए बार बार हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं? हाल ही में हुई एक स्टडी में ये सामने आया है कि हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स के अधिक इस्तेमाल से गर्भाशय के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ओर से की गई स्टडी में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिसर्च में सामने आया है कि बार बार हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में ऐसा नहीं करने वाली दूसरी महिलाओं की तुलना में गर्भाशय के कैंसर का खतरा अधिक है। रिसर्चर्स ने स्टडी के लिए 11 सालों तक 35 से 74 साल की 33,947 महिलाओं को ट्रैक किया, जिसमें से 378 महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर के मामले देखे गए। बता दें कि स्टडी के मुताबिक 70 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर का खतरा 1.64% बढ़ जाता है, लेकिन बालों को सीधा करने वाले प्रोडक्ट केमिकल से इसका खतरा 4.05% तक बढ़ सकता है। स्टडी के रिसर्चर्स ने यह भी जोड़ा कि अमेरिका में गर्भाशय के कैंसर का मामला दुर्लभ नहीं है। हालांकि जो महिलाएं साल में 4 या उससे अधिक बार हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, उनमें दूसरों की तुलना में कैंसर के पनपने का खतरा 2.5 गुना अधिक होता है। रूस से मिलने वाले सस्ते कच्चे तेल से अमेरिका यूरोप परेशान, भारत पर बना रहे हैं प्राइस लिमिट लगाने का दबाव। जी हां, भारत रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल आयात कर रहा है, ये बात लगातार अमेरिका यूरोपीय यूनियन के देशों को खल रहा है। ये देश रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने के लिए भारत पर दबाव भी बना रहे हैं और माना जा रहा है कि रूस के क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप लगाया गया तो रूस को कच्चा तेल बेचने पर जो मुनाफा हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। अमेरिका और यूरोपीय देश के प्रतिबंध के बावजूद भारत और चीन लगातार रूस से तेल आयात कर रहे हैं, जिससे प्रतिबंध का कोई असर नहीं पड़ा है। रूस से तेल जो कि पहले यूरोपीय देशों में जाया करता था, वो भारत और चीन जैसे देश कम दामों पर आयात कर रहे हैं। रूस भारत को कच्चे तेल बेचने वाले दूसरे सबसे बड़ा देश बन चुका है। भारत अपने खपत का 20% कच्चा तेल रूस से आयात कर रहा है, जो कि रूस यूक्रेन लड़ाई से पहले केवल 1% हुआ करता था। रूस से सस्ते दामों पर कच्चे तेल मिलने का जबरदस्त फायदा देश की तेल कंपनियों को हुआ है। उन्होंने रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने के बाद उसे रिफाइन करने के बाद पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट किया है। यही वजह थी कि सरकार ने इन कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जानकारों ने भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेल के दामों पर प्राइस लिमिट नहीं लगाने का अनुरोध किया है। अखिलेश और शिवपाल में नहीं हुई सुलह, स्टार प्रचारकों की लिस्ट से नाम गायब। जी हां, कहा जा रहा था कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि परिवार के सभी लोग एक दिशा में एक साथ राजनीति करेंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम शामिल नहीं है। दरअसल सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2022 की विधानसभा चुनाव के चौथे चरण से ही शिवपाल सिंह यादव का नाम समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल था। पिछले दिनों हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विजय रथ में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल एक साथ दिखे थे। शिवपाल ने मीडिया के सामने कहा था कि वो अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए 39 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आजम खान, नरेश उत्तम पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र यादव, माता प्रसाद पांडे समेत कई लोगों के नाम हैं। 4K वीडियो के लिए नहीं लेना होगा प्रीमियम मेंबरशिप, YouTube ने बंद कर दी टेस्टिंग। जी हां, YouTube अब 4K वीडियो को प्रीमियम की कैटेगरी में नहीं ला रहा है। इसका मतलब है कि 4K वीडियो देखने के लिए अब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। YouTube ने अपने एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इससे पहले YouTube ने इसकी टेस्टिंग शुरू की थी, जिसमें 4K स्ट्रीमिंग को प्रीमियम कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया था। इस पर लोगों ने काफी नाराजगी भी जाहिर की थी। इससे पहले YouTube के रेवेन्यू में कमी देखने को भी थी, जिसके चलते ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि YouTube अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्रीमियम सर्विस लोगों पर थोप रहा है। इन सभी खबरों के बाद अब YouTube ने भी इसे ऑफिशियली ड्रॉप कर दिया है। अब नॉन प्रीमियम यूजर्स भी बिना कोई चार्ज दिए 4K वीडियो देख सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब YouTube ने कोई टेस्टिंग को बंद किया हो या फिर फीचर को वापस लिया हो। ऐसे ही पहले डिसलाइक बटन के साथ देखने को मिला था। इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि हो सकता है कि
भविष्य में 4K स्ट्रीमिंग को प्रीमियम कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिया जाए। नए अध्यक्ष के ऐलान से पहले फूटा लेटर बम, थरूर गुट ने लगाए धांधली के आरोप। जी हां, कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है, लेकिन उससे पहले अध्यक्ष पद के चुनाव में धांधली को लेकर लेटर बम फूटा है। तिरुवनंतपुरम के सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे शशि थरूर गुट ने चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, शशि थरूर के पोलिंग एजेंट सलमान सोज ने कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से चुनाव में हुई गड़बड़ी की लिखित शिकायत की है। अपनी चिट्ठी में सलमान सोज ने 3 राज्यों यूपी, पंजाब और तेलंगाना में चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। खबर है कि थरूर गुट के आरोपों के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। यूपी के बैलेट बॉक्स को काउंटिंग की प्रक्रिया से अलग रखा गया है, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के पोलिंग एजेंट गौरव गोगोई ने इसे ऐतिहासिक पल करार देते हुए कहा कि हमें गर्व है कि इतने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया गया है। हम सोनिया गांधी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी की मान संभाल रखी है। बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की जारी की पहली लिस्ट, प्रेम कुमार धूमल का पत्ता साफ। जी हां, बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अनिल शर्मा को मंडी से चुनाव मैदान में उतारा गया है। खास बात तो ये है कि उम्मीदवारों की लिस्ट में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों के 12 नवंबर को एक चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला सिराज सीट पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार चेतन राम ठाकुर के खिलाफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मैदान में हैं। इसके अलावा बीजेपी ने सतपाल सिंह सत्ती को ऊना से, पवन काजल को कांगड़ा से टिकट दिया है। इसके साथ ही हमीरपुर सीट से नरेंद्र ठाकुर, सुजानपुर सीट से कैप्टन रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में प्रदेश के 2 बार सीएम रहे सीनियर नेता प्रेम कुमार धूमल का नाम नहीं है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बर्फबारी के साथ हल्की से मध्यम बारिश संभव है। उत्तराखंड में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार है, खुश नसीब वो नहीं जिनका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।